हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल बाजार जैसी बेसन की बर्फी। इस बर्फी को बनाने के लिए आपको कोई भी सामान बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। इसे आप घर की रखी हुई चीजों से बना के तैयार कर सकते हैं और टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। चलिए इस मजेदार बर्फी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई पे डालेंगे 1 चम्मच घी। यहाँ पर देसी घी की जगह आप वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं। घी हमारी मेल्ट हो गया है और गैस की फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल लो पे। यहाँ पे हमने टोटल 2 कप बेसन यूज करेंगे। पहले 1 कप बेसन डाल दिया है, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। घी हमारी बड़ा 1 चम्मच था, उसके हिसाब से 1 कप बेसन सही है, पर हमें 2 कप बेसन 1 चम्मच घी में भूनना है। उसके लिए हमने थोड़ी सी मेहनत तो करनी है, तो हमने यहाँ पे 1 कप बेसन थोड़ा सा भून लिया है। इस स्टेज पर हमने और 1 कप बेसन ऐड करेंगे। फ्लेम को लो रखते हुए चम्मच को लगातार चलाएंगे। इस तरह से हमने कम घी में ज्यादा बेसन भून सकते हैं। टाइम की बात करेंगे तो 10 मिनट के करीब लगेंगे बेसन भूनने में। बेसन की बर्फी बनाने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखनी है, वो है बेसन भूनने की टाइम, आपको पेशेंस के साथ बेसन भूनना है। अगर कम घी में बनानी है तो घी और बेसन की मात्रा बराबर हो तो पेशेंस की कोई बात ही नहीं रहेगा। जैसे तैसे करके भुनेंगे तब भी अच्छी से भुनाई हो जाती है, पर कम घी में ज्यादा बेसन भूननी है तो पेशेंस की बात आ ही जाती है। यहाँ पे 10 मिनट के करीब बेसन को भून लिया है। गैस की फ्लेम लो पे रखा था और बेसन से भी बहुत ही अच्छी भुनाई की खुशबू आ रहा है और अपने देख सकते हैं कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर हमने गैस की फ्लेम को कर देंगे अप और हमने बेसन को कढ़ाई से निकाल लेंगे। सारे बेसन को कढ़ाई से निकालने के बाद हमने इस कढ़ाई पे 1 कप चीनी डाल देंगे। इसके हिसाब से हमें 1/2 कप पानी भी डालनी है। यहाँ पे हमें 1 तार वाली चाशनी बनानी है। गैस की फ्लेम कर देंगे हाई ताकि चाशनी जल्दी जल्दी पके। फ्रेंड्स, आपको मैंने 2 बातों का ध्यान में रखते हुए इस बर्फी को बनाने के लिए कहा था। पहली बात, बेसन भूनने की टाइम धीमी आंच पर भूने, कम से कम 10 मिनट तक स्पून को लगातार चलाते हुए बेसन को भूनना है लो फ्लेम पे। दूसरी बात, चाशनी 1 तार वाला ही बनानी है। यह हमारी चाशनी 1 तार वाला बनने वाली है। बिल्कुल इस स्टेज पर भुनी हुई बेसन को ऐड कर देंगे। बेसन को डालते जाएंगे और चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल बाजार जैसी बेसन की बर्फी बनाने के लिए सबसे मेन पॉइंट ये है, चाशनी को 1 तार वाला ही बनानी है। इस ट्रिक से आपने बर्फी बनाएंगे तो आपके बर्फी परफेक्ट होने में कोई नहीं रोक सकता। बस बेसन को चाशनी में 1 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है और यह हमने बर्फी को जमाने के लिए थाली को रेडी करके रखे थे। इस तरह का स्टील के थाली आपके घर में जरूर होंगे। स्टील के थाली में घी या तेल से ग्रीस करके कोई भी पेपर आप रख के इस तरह से बर्फी को जमा सकते हैं। अगर आपके पास वाटर पेपर हो तो उसे यूज करें, वरना प्लेन कोई भी पेपर आप यूज कर सकते हैं। पेपर देने में बर्फी को निकालने में आसानी होगा और इस तरह से थोड़ा सा लेवल कर देंगे ताकि बेटर हमारी 1 लेवल का हो जाए। बर्फी को देखने में सुंदर लगे इसलिए हमने थोड़ा सा पिस्ता काट के रखे थे, इसको हमने ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। ध्यान रखें, पिस्ता या बादाम कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने बर्फी में इस तरह से देना चाहेंगे तो गर्म गर्म में इसको चिपका देना है। बर्फी ठंडा हो जाएंगे तो ड्राई फ्रूट्स बर्फी में चिपकेगा नहीं, इसलिए काम आपको तुरंत ही करना होगा। इस तरह से पिस्ता को चम्मच से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि बर्फी में पिस्ता अच्छे से सेट हो जाए। इसको हमने 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर सेट होने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, 3 घंटे निकल चुका है, बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम बर्फी को थाली से छुड़ा लेंगे। अपने देख सकते हैं कितना आसानी से हमारी बर्फी थाली में से निकाला है। ये सब पॉसिबल हुआ है पेपर देने की वजह से। और ये देखिए थाली में ही थोड़ा सा चिपके रहेंगे, थाली पे शायद उस साइड तेल से अच्छे से ग्रीस नहीं हुए थे। पेपर को निकाल लेंगे और बर्फी हमारी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको काट करेंगे। यहाँ पे बर्फी आप अपनी मनपसंद शेप में काट सकते हैं। हमने आज बेसन बर्फी को स्क्वायर शेप में काट रहे हो। हमारी काटने में ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना परफेक्ट बेसन बर्फी बना है। इसको 1 बाइट अपने मुँह में रखो तो आपके बस मन यही कहेंगे सब एक साथ खा जाए। इसे अपने 1 बार बना के 15-20 दिन के लिए स्टोर करके भी खा सकते हैं, पर अपने 1 बार बना के तो देखिए, स्टोर करने के लिए आपके पास बर्फी बचेगा ही नहीं। हमने बर्फी में से 1 बाइट लिया है, आपको तोड़ के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, आप जब इस बर्फी को खाएंगे आपके मुंह में एकदम मक्खन की तरह घुल जाएगा। इसे मैंने 1 बाइट 1 करके सजा देती हूँ सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स,
इस वीडियो को देखने के बाद आपको बर्फी बनाने के लिए किसी को वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह की और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए आपकी अपनी चैनल माला की किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलेंगे और एक मजेदार रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।